R7 works as a flow cleaner. Dilution हमारा normally R2 की तरह ही रहता है 20 से 50 ml per liter depending on the type of surface and type of stain or nature of soiling. अब बात आती है R7 को हम कैसे use करते हैं. तो normally रूप से R7 को आप एक bucket में लीजिए और जैसे आप normally रूप से mop करते हैं ऐसे ही आप mop कीजिए. इसके अलावा यदि आपके फ्लोर पे काफी स्टेन्स हैं तो आप मैनुअल स्क्रबर से भी स्क्रब कर सकते हैं या फिर स्क्रबिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं. यदि आप स्क्रबिंग मशीन के साथ स्क्रब कर रहे हैं तो उसके बाद जो डर्टी सॉल्यूशन बचता है उसे आप वेट वैक्यूम क्लीनर से क्लियर कर सकते हैं या साफ कर सकते हैं. वेल गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द R सीरीज केमिकल्स. दोज आर जनरली यूज्ड बाई गेस्ट रूम अटेंडेंट्स इन हाउसकीपिंग.